नमस्कार दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे फैंटेसी टिप्स एंड बेस्ट ड्रीम इलेवन कॉम्बिनेशन फॉर पाचुका वर्सेस पुमास ऊना। मेक्सिकन लीग का ये मैच 27 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे से है। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, टेबल पर पुमास 14th पोजिशन पर है, बट 27 पॉइंट्स पे है और एक गेम कम खेली है अपने ऊपर वालों से। पाचुका 14th पोजिशन पर है 21 पॉइंट्स के साथ और ये अपने सीजन में अब तक 3 गेम हारी है पर 6 गेम इन्होंने ड्रॉ करी है। सेम विद पुमास, 6 गेम इन्होंने ड्रॉ करी है अब तक। पर पाचुका की एक अनोखी चीज देखिए दोस्तों, केवल 15 गोल्स स्कोर्ड और 12 गोल्स कंसीडेड। पुमास 24 गोल्स स्कोर्ड और 13 गोल्स कंसीडेड। एक टिप देता हूँ यहाँ पे दोस्तों, पाचुका ज्यादा हाई स्कोरिंग टीम नहीं है, ना ही ज्यादा गोल्स कंसीड करती है। मेजॉरिटी ऑफ इनकी जो गेम्स होती है उसमें 2.5 गोल से कम पड़ते हैं, वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा जब हम की स्टैट्स कवर करेंगे, एक्सपेक्टेड 11 बनाएंगे। इस अलग अलग टाइम पे मैं आपको एक यूनिक बात बताऊंगा इस पर्टिकुलर टीम की और हमारी क्या असेसमेंट और रीडिंग है और हम किस तरीके से अपनी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। की स्टैट्स की बात करते हैं तो की स्टैट्स में दोस्तों, की स्टैट्स से पहले दोनों टीम्स की पिछले 5 गेम की परफॉर्मेंस देखेंगे तो पुमास पिछले 5 में से 2 जीती है, 2 ड्रॉ करा है और 1 गेम हारी थी जो लियोन के अगेंस्ट था, बट केवल 7 गोल स्कोर कर पाई है और 2 क्लीन शीट रखी है इन्होंने पिछले 5 गेम में। अगर हम पाचुका की बात करें तो आप ये देखिए दोस्तों, जो मैं आपको कह रहा था, ये 5 गेम हुई है इनकी, एक भी गेम में 2 गोल से ऊपर स्कोर नहीं हुए। लास्ट दोनों 1-1 ड्रॉस थी, उसके पहले नील नील वाली ड्रॉ हुई है, उसके पहले एटलस को इन्होंने 1-0 हराया और मोंटेरे के अगेंस्ट फिर से 1-1। ये बहुत फनी चीज है दोस्तों, बट इनकी ज्यादा कर की जो गेम्स है वो 1-1 फिनिश होती है। और सबसे यूनिक बात, जब पाचुका और पुमास खेलते हैं उसमें भी जो मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स स्कोर रहा है वो 1-1 रहा है, जो 4 बार ही हुआ है। तो कल की गेम में भी मोटा मोटा हम सिमिलर ट्रेंड के साथ जाएंगे। की स्टार्ट की बात करते हैं, पाचुका अनडिफीटेड है पिछले 8 मैच में अक्रॉस कॉम्पिटिशन, तो इस पर्टिकुलर गेम में भी थोड़ा सा ट्रिकी होगा कि ये जीतेंगे हारेंगे किस तरीके से सेटअप होगा। पुमास पिछले 16 मैचेस में अक्रॉस कॉम्पिटिशन केवल 1 बार हारे हैं। वंस अगेन ये दोनों में दोस्तों नोटिस करना, एक पर्टिकुलर ट्रेंड आएगा। फाइनली पाचुका की जो लास्ट 6 गेम्स थी मेक्सिकन लीग में 2.5 गोल से कम स्कोर हुए हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टैट्स और एनालिसिस के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आपको अब तक का वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, तो प्लीज उसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन से हमें काफी मोटिवेशन मिल जाती है। एक्सपेक्टेड 11 की बात करें तो वैसे कोई सरप्राइजेस होंगे नहीं दोनों तरफ से। डविया का कल श्योर नहीं है कि स्टार्ट करेंगे या नहीं करेंगे। की प्लेयर्स में डविया एक क्रिटिकल प्लेयर है पाचुका के लिए, 5 गोल 1 असिस्ट दिया है इन्होंने। गुजमान सोजा दोनों ने 3-3 गोल मारे हैं, बट गुजमान केवल 9 गेम खेले हैं अब तक, जिसमें से 4 गेम्स में ही स्टार्ट करा है। कल की गेम में गुजमान स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। चावेज अच्छे प्लेयर हैं यहाँ पे और एक और इम्पोर्टेंट प्लेयर है जो अग्वेर करके हैं, जो इनके डिफेंडर हैं, इन्होंने अब तक 1 असिस्ट दी है, जो कल की गेम में भी आपकी टीम में होने चाहिए। मुरियो लगता नहीं है कल की गेम स्टार्ट करेंगे, यदि स्टार्ट करते हैं तो प्लीज प्रिफर मुरियो ओवर अग्वेर, बिकॉज ओवरऑल इसके स्टैट्स काफी सही है इन टर्म्स ऑफ पासिंग, क्लियरेंसेस एक्सेट्रा। उनाम की बात करें तो डिनेनो टॉप स्ट्राइकर, 8 गोल्स 1 असिस्ट 14 मैचेस में, इनका आपकी टीम में होना मैंडेटरी है। विगोन अच्छे फॉर्म में है, 8 गेम खेले हैं पर उसमें 2 गोल 1 असिस्ट है। इतुर्बे और मयोरगा दो अदर अच्छे प्लेयर्स हैं इस पर्टिकुलर टीम से। मयोरगा हमारे प्रेफर्ड डिफेंडर होंगे कल की गेम में, तो मयोरगा और वास्केस दोनों को आप हमारी टीम में जरूर ऑब्जर्व करेंगे। तो ये हो गई मोटा मोटा अपनी टीम। और जब हम बात करते हैं कि हम हमारी टीम्स कैसे सेटअप करेंगे, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे वो प्रीव्यू में बताए थे, कुछ इंपॉर्टेंट की स्टैट्स में। अगर आपने अब तक नहीं देखी हो दोस्तों, तो प्लीज प्रीव्यू और की स्टैट्स में जाके वो टिप्स देख लेना जो हमें हेल्प करेगी हमारी टीम सेटअप करने में। हमारी सजेस्टेड ड्रीम इलेवन टीम में हमने अपफ्रंट डविया और डिनेनो को लिया है, बिकॉज जो स्कोर लाइन के लिए हिसाब से हम जा रहे हैं इस पर्टिकुलर गेम में, वो होगी 2-1 इन फेवर ऑफ पुमास। आपको थोड़ी सी सेफ, एकदम एक्सट्रीमली सेफ बनानी हो दोस्तों, तो आप इस पर्टिकुलर चीज स्कोर लेके जा सकते हो या आप वनल के साथ जा सकते हो। एक ट्रिकी स्कोर बनानी हो आपको तो ट्रिकी स्कोर लाइन होगी पुमास 1 और पाचुका नील, तो उस हिसाब से आप डिफेंडर्स भी पुमास के पूरे भर सकते हैं। डविया डिनेनो दोनों कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन है। अगर डविया नहीं स्टार्ट करते हैं तो डगा रोजा होंगे, उनको भी आप पिक कर सकते हो ऊपर की तरफ, जो स्ट्राइकर के रोल में परफॉर्म करेंगे। मिडफील्ड में हमने सोसा, शावेज, गुजमान, बीगॉन और तर्बो इन पांच प्लेयर्स को लिया हुआ है। इसमें से गुजान मोस्ट प्रिफर्ड होंगे, अगर उनको रैंक करना होगा तो गुजमान को मैं ऊपर की तरफ रैंक करूंगा, फिर सोसा और फिर बीगॉन इन टर्म्स ऑफ माय प्रेफरेंस टू हैंड ओवर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस इन दिस गेम। डिफेंस में
मैंने टालावेरा, मायोरगा और वास्केस, ये तीनों है मेरे पुमास के प्लेयर्स, इनको मैंने पिक किया हुआ है। प्योरली एक सिंपल लॉजिक ये लगा है कि कल की गेम में अगर गलती से क्लीन शीट भी आ गई, जो 1-0 वाली में रिस्की ग्रैंड लीग टीम बोल रहा था, उसमें एटलीस्ट हमारे पास तीन डिफेंडर तो होंगे पाचुआ की तरफ से, फ्रॉम पुमास, और पाचुका से हमने अक्वायर को लिया हुआ है। जैसे मैं कह रहा था, अगर कल की गेम में मुरियो खेलते हैं तो प्लीज मुरियो को पिक कीजिएगा इंस्टेड ऑफ अक्वायर इन योर फैंटेसी टीम्स। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों कि अपनी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जानी चाहिए, तो प्लीज़ फटाफट फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो यदि आपको दोस्तों अब तक का वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जल्द मिलेंगे आपसे कई और फुटबॉल और क्रिकेट गेम्स की एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।